हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन पटेल और आपका स्वागत है मेरे टेक गुरुदेव पटेल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हाउ टू क्रिएट अ मास्क विथ इमेज लेयर। दोस्तों, आपको टेक्स्ट लेयर से इमेज लेयर में आपको मास्क कैसे क्रिएट करना है वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, मैंने पिछले एक वीडियो बनाया है हाल ही में हाउ टू क्रिएट अ मास्क विथ टेक्स्ट लेयर, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों, आपको इमेज के साथ मास्क बनाना है, मास्क लेयर बनाना है, तो वो कैसे बनाना है वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों, इससे पहले अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को पुश करके उसे एक्टिव रखें ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हो तो ये बटन है, उसको आप पुश करके उसे एक्टिव रखें जल्द से जल्द, और जो मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो वीडियो आपको आप तक उसका नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों, अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके आप मुझे कमेंट कीजिए, एज़ वेल एज़ पॉसिबल मैं आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन देने की पूरी ट्राई करूँगा। दोस्तों, वीडियो ना लंबा ना हो जाए इसलिए मैं चलता हूँ अपने वीडियो में, जहाँ पर मैंने प्रोसो प्रोड्यूसर ओपन करके रखा है और एक स्लाइड भी बना के रखी है। दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने बनाया था कि हाउ टू क्रिएट अ टेक्स्ट लेयर, मास्क लेयर विथ टेक्स्ट, तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट के साथ ये लेयर बनाया है, टेक्स्ट के साथ ये लेयर बनाया है, तो उसको मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कर दूँ। ये जो मेरा बैकग्राउंड है उसको मैं इसमें पहले सबसे ज़्यादा जूम कर देता हूँ और इसमें थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। ये वाला टेक्स्ट है, ये टेक गुरु में है तो मैं इसे इधर रखूँगा ऐसे, और इसको बड़ा कर दूँगा। अब दोस्तों, हमें देखना है हमारा टेक्स्ट लेयर कैसे इफेक्ट करता है। यहाँ पर देखिए, मेरे टेक्स्ट में जो लेयर्स है बैकग्राउंड का वो इनबिल है। अभी इसमें आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये वाला जो है इस पे मैं वीडियो ऐड करता हूँ, ऐड सिलेक्ट में जाके मान लो कि यहाँ पर मैं बैकग्राउंड वीडियो ले लेता हूँ और मुझे ये येलो वाला है तो येलो वाले में मुझे मान लो कि ये 35 MB का है, ये ले लेता हूँ, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस होने में, इंसर्ट होने में, स्लाइड को इम्पोर्ट होने में वीडियो को, तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें देखते हैं क्या होता है। ये दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मेरा वीडियो इफेक्ट आ चुका है। दोस्तों, ये जो यहाँ पर बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है वहाँ पर नहीं चलेगा ये वीडियो मेरा, मेरा जो ये अश्विन पटेल मैंने लिखा है उसी टेक्स्ट में चलेगा। इसके लिए हमें देखने के लिए, प्रीव्यू करने के लिए हमें फिर से इसमें यहाँ पर चले जाते और प्ले करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरा वीडियो टेक्स्ट लेयर में मास्क के रूप में यहाँ पर प्ले हो रहा है, देखिए। तो दोस्तों, ये था टेक्स्ट लेयर। इसके लिए दोस्तों आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, अगला जो मैंने बनाया हुआ है हाउ टू क्रिएट अ मास्क विथ टेक्स्ट लेयर। अब दोस्तों, हमें सीखना है हाउ टू क्रिएट अ मास्क विथ इमेज। मान लो कि यहाँ पर मैं ये वाला एक ये फोटो, तीन फोटो ले लेता हूँ जो कि मुझे इफेक्ट देनी है टेक्स्ट में। यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, सॉरी, यहाँ से मैं ऐड करूँगा, ऐड इमेज और वीडियो। मैं यहाँ से मेरे डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है वहाँ पर मैं जाऊँगा, यहाँ से मैं ले लूँगा मेरा जो मुझे चाहिए, जो इमेज चाहिए वो मैं यहाँ से ले लूँगा, एक ये वाला और एक ये वाला, ये नहीं, ये तीन मुझे लेयर चाहिए। अभी मुझे क्या करना है कि ये मेरा जो है लेयर उसको मुझे बैकग्राउंड में रखना है और ये दोनों पे मुझे मास्क क्रिएट करना है। तो मास्क क्रिएट करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये जो है जिस इमेज पे आपको मास्क क्रिएट करना है वहाँ पर आप यहाँ पर एड और सॉलिड कलर, ये वाला सॉलिड कलर, यहाँ पर आप कलर कोई भी ले लो, कोई मायने नहीं रखता है, ओके दे दो। अब दोस्तों जाने, अब ये सॉलिड कलर आपका आ गया है तो आपको क्या करना होगा, एडजस्टमेंट में जाना है और विगनेट पे जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है उसको, एडिट, एडिट करने के बाद मुझे ऐसी फ्रेम चाहिए,
अब दोस्तों मुझे जो करना है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे हमें, मान लो कि इसको मैं थोड़ा घुमा देता हूँ यहाँ पर, इसको भी मैं यहाँ पर छोटा करके ले लेता हूँ इधर यहाँ पर। अब दोस्तों क्या करना है कि लेयर सेटिंग्स में जाना है, जो आपको सॉलिड कलर आप सिलेक्टेड रखते हो उसी को ही सिलेक्ट रखना है और लेयर सेटिंग्स में जाना है। लेयर सेटिंग्स में जाने के बाद लेयर टाइप में यहाँ पर मास्क, ये वाला मास्क यूजिंग ट्रांसपेरेंसी वो रखना है। अगर आप ग्रे स्केल रखेंगे तो ऐसा इफेक्ट आएगा, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो ऐसा इफेक्ट आएगा। चलो अब ग्रे स्केल रखते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इफेक्ट में फिर से जाना है और जो इमेज को मुझे ये मास्क में ऐड करना है, देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है दोस्तों, मैं इसको छोटा कर देता हूँ और यहाँ पर मैं उसको इतना बड़ा कर देता हूँ। अब दोस्तों बारी है दूसरे लेयर की, तो यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस करनी है हमें, सॉलिड कलर यहाँ पर मैं रेड ले लेता हूँ, अप्लाई ओके, फिर से एडजस्टमेंट में, फिर से विग्नेट एडिट, एडिट में जाके फिर से मुझे ये वाली फ्रेम चाहिए और इसको मैं छोटा करके रोटेट कर दूंगा इधर, इफेक्ट में जाऊंगा यहाँ पर थोड़ा इसको बड़ा कर दूं। और दोस्तों अभी क्या करना है मुझे, फिर से लेयर सेटिंग्स में जाने के बाद मास्क यूजिंग ग्रे स्केल या तो ट्रांसपेरेंसी, जो भी आपको रखना है, चलो इसमें मैं ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ। अब दोस्तों ये वाली जो स्लाइड है उसको आपको, ये वाली इमेज है उसको आपको सिलेक्ट करना है। अभी मुझे यहाँ पर ऑटोमेटिक मास्क के अंदर आ जाएगा और इसको मैं छोटा कर देता हूँ इफेक्ट। अब दोस्तों मुझे इसको इतना बड़ा करना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ओके, ओके करने के बाद दोस्तों ये वाली है ग्रे स्केल, ये है ट्रांसपेरेंसी। तो जो भी आपको अच्छा लगे वो रखना है और उसको आपको प्ले करना है। हो गया अपना इफेक्ट, हो गया अपना मास्क इफेक्ट। तो दोस्तों ये जो मेरा टेक्स्ट लेयर का इफेक्ट है मुझे उस पर लेना है, तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल सी, उसके लिए दोस्तों मैंने एक शॉर्टकट के ऊपर एक वीडियो, दो वीडियो बनाए हैं, ज़रूर देख लीजिएगा। और ये लेयर में ये जो स्लाइड है उस पर मुझे पेस्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और वी दबाना है। अब उसको मैं डबल क्लिक करके ये वाला जो मेरा लेयर है उसको मैं हाइड कर दूंगा। अब दोस्तों देखिए तीनों के तीनों लेयर्स, फोर लेयर्स मैंने मास्क लेयर बनाए है और चारों के चारों एक साथ मेरा प्ले हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर ऐसे जैसे आप चाहते हो वहाँ पर आप मूव कर सकते हो, यहाँ पर रख सकते हो, जहाँ पर आप रखना चाहते हो, और जो आप वीडियो इफेक्ट देना चाहते हो तो अपने मास्क लेयर में आप वीडियो इफेक्ट भी दे सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो अगर मेरा आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को पुश करके उसे एक्टिव रखें ताकि मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। और दोस्तों जल्द से जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।